आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। इस साल सामान्य मॉनसून रहने से बढ़ती महंगाई झेल रहे लोगों को हल्की राहत मिल सकती है। अच्छी बारिश का असर खरीफ फसलों के उत्पादन पर पड़ता है, जिससे कुछ खास खाद्य पदार्थों के दाम घट सकते हैं। चावल, बाजरा, रागी, अरहर, मूंगफली, कपास, मक्का, सोयाबीन आदि खरीफ फसलें हैं और इनका उत्पादन अधिकतर अच्छे मॉनसून पर निर्भर करता है। इनकी बुआई जून जुलाई से शुरू होती है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपज आपूर्ति संकट से वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुएं, ईंधन, उर्वरक और अन्य कमोडिटी के दाम में आग लग सकती है। ऐसे में मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश खरीफ फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकती है, जिससे महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को और निजी एजेंसी स्काईमेट ने दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया। दोनों ने इस साल मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग अपना पहला पूर्वानुमान अप्रैल में और दूसरा पूर्वानुमान मई के अंतिम सप्ताह में जारी करता है। मौसम विभाग के मुताबिक देश में 96% से 104% बारिश का अनुमान है, जो सामान्य है। बारिश का 96% से कम होना सामान्य से कम है और 104% से अधिक होना सामान्य से अधिक होना माना जाता है। इस साल मार्च में खुदरा महंगाई दर करीब 7% की दर से बढ़ी, जिससे देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि आरबीआई इस पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। वहीं मॉनसून के पूर्वानुमान ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का मौका दिया है। अच्छी बारिश न सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए जरूरी है, बल्कि इससे उद्योग जगत में भी बाहर आती है। अच्छी बारिश के कारण कृषि मांग में तेजी आती है, जिससे उद्योग जगत को गति मिलती है। देश में पिछले 3 साल से अच्छी बारिश हो रही है। गत माह खुदरा महंगाई दर 7.68% की तेजी से बढ़ी है, जबकि फरवरी में इसकी दर 5.85% और मार्च में 2021 में ये 4.87% थी। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।